नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी उर्दू के सिलेबस में जो अगले गज़ल गो शायर हैं, यास यगाना, आप पहले सिलेबस देख लें। ये यास यगाना, ये गाना मोमिन के बाद यह गाना, फिराक हमने बता ही दिया, तो यह गाना है। अभी आपको बताना है गालिब और नासिर काज़मी। तो यास यह गाना, ये आप देख लीजिए। तो उर्दू का जो आपका सिलेबस है, यह गाना और गालिब बताने के बाद में फिर नज़म पर चलेंगे। नज़म भी बहुत सारे देख लीजिए, सिलेबस एक बार फिर से देख लीजिए। ये नज़म में नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं, तीन नज़में, आदमी, रोटियां और गिलहरी अकबर आबादी की नज़में हैं, एक फर्जी लतीफ़ा, जलवा दरबार दहली और मुस्तकबिल। फिर इकबाल की इस तरह से चकबस की और सरवर जहां आबादी की, जोश मलिहाबादी, उसके बाद फैज़ अहमद फैज़, फिर नून मीम राशिद, फिर मेराजी, फिर मिजाज और फिर अख्तरुल ईमान और वहीद अख्तर। इस तरह से फिर नज़म आपका शुरू होगा इंशाल्लाह ताला कल या परसों से। आज मैं आपको यह गाना बताऊँगा, यह गाना के बाद फिर आपको हम गालिब कल बताएंगे और काज़मी, नासिर काज़मी। तो चलते हैं यह गाना की तरफ। यह गाना बताने से पहले साथियों, मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा टेस्ट करवा दूँ आपका। 30 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं हैं, बस 30 सवाल हैं। पहले आप यह गाना पढ़ लीजिए, तो चलते हैं यास यह गाना की तरफ। पहला पॉइंट है साथियों, पहला पॉइंट ये है कि नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। क्या था? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। और तखल्लुस पहले इन्होंने यास इस्तेमाल किया और फिर बाद में यह गाना इस्तेमाल किया। पूछा जा सकता है सवाल कि नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन ने तखल्लुस पहले क्या इस्तेमाल किया था, तो आपको बताना पड़ेगा। बाद में क्या इस्तेमाल किया? यह गाना और पहले यास। और नाम इनका असल में क्या था? नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। तो अगला पॉइंट है, तारीखी नाम मिर्ज़ा अफजल अली बेग था। तारीखी नाम ये भी पूछा जा सकता है कि इनका तारीखी नाम क्या था, तो तारीखी नाम क्या था? मिर्ज़ा अफजल अली बेग था। और उर्फ में लगाते थे मिर्ज़ा यास यगाना चंगेज़ी, मशहूर हैं ये इसी नाम से, उर्फ़ मिर्ज़ा यास यगाना चंगेज़ी। अगला पॉइंट है, यगाना बकौल खुद 27 जिलहिज्जा, सुनते रहिए और समझते रहिए। जहाँ पर आपको नोट करना है साथियों, आप बिल्कुल नोट करते चलिए। तो यह गाना बकौल खुद 27 जिलहिज्जा 1301 हिजरी मुताबिक 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी में पटना के मोहल्ला मुगलपुरा में पैदा हुए। ये कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी में पटना के मोहल्ला मुगलपुरा में पैदा हुए। अगला पॉइंट है, यह गाना का इंतकाल 1956 ईस्वी में कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। पैदा ये पटना में हुए थे, बिहार में पटना है, और 1884 ईस्वी में पैदा हुए थे और इंतकाल 1956 ईस्वी में हुआ और लखनऊ में हुआ। पैदा कहाँ हुए और इंतकाल कहाँ हुआ, दोनों देख लीजिए। अगला पॉइंट है, मिर्ज़ा यह गाना के वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन उर्फ मिर्ज़ा प्यारे साहब था। क्या था इनके वालिद का नाम? मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन, ये भी उर्फ लगाते थे, उर्फ मिर्ज़ा प्यारे साहब था, इनके वालिद साहब का नाम था। यह गाना के जद आला मिर्ज़ा हसन बेग मुग़लों के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे और सरकार दिल्ली की फ़ौज में मुलाजिम हो गए। जब इनके जो है जदाला मिर्ज़ा हसन बेग मुग़लों के ज़माने में हिंदुस्तान आए, तो
तो जब हिंदुस्तान आए तो वो सरकार के दिल्ली की फ़ौज में शामिल हो गए, मुलाजिम हो गए। उन्हें खिदमात के सिले में, जो उन्होंने खिदमात के उसके सिले में क्या मिला, चंद जागीरें परगना हवेली अजीमाबाद में अता हुई। कहाँ हुई? अजीमाबाद में अता हुई, जो उन्होंने सेवा की, सेना में शामिल होकर, फौज में शामिल होकर, इस बदले में, इसके सिले में इनको कुछ जो है जागीरें दी गई और परगना दिए गए और हवेली दी गई। कहाँ दी गई? अजीमाबाद में दी गई। फिर है, यगाना ने 1903 में इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। 1903 में इन्होंने इंट्रेंस का एग्ज़ाम पास किया। यगाना ने 1904 में, तीन में तो इंट्रेंस का एग्ज़ाम पास किया और चार में कलकत्ता का सफ़र किया। और मतलब एक एक पॉइंट आप देखते रहिए। वहीं आगे देखिए, मटिया ब्रिज में वाजिद अली शाह के ख़ानदान के दो अफराद यानी शहज़ादा मोहम्मद याकूब अली और शहज़ादा मोहम्मद यूसुफ अली, ये शहज़ादा मोहम्मद याकूब अली और शहज़ादा मोहम्मद यूसुफ अली मिर्ज़ा की अंग्रेज़ी तालीम पर मुकर्रर हुए। अगला पॉइंट है, यगाना ने 1905 में इन्होंने क्या किया, लखनऊ का सफ़र इलाज की गर्ज से किया। 1904 में इन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया था और 1905 में इन्होंने लखनऊ का सफ़र किया, लेकिन इलाज की गर्ज से, इलाज के लिए गए थे और यहीं ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार दिया और लखनऊ में ही इनकी मौत हो गई थी, आपने देखा अभी ऊपर। अगला पॉइंट है, यगाना ने लखनऊ के नामवर हकीम और मुबाहिशा गुलजार नसीम यानी मुआरका चकबस्त व शरर के मुरत्तब हकीम मिर्ज़ा मोहम्मद शफी की बेटी कनीज़ हुसैन से 1913 में शादी कर ली। लखनऊ में ही शादी कर ली इन्होंने 1913 में। यगाना ने लखनऊ के नामवर हकीम और मुबाहिशा गुलजार नसीम यानी मुआरका चकबस्त व शरर के मुरत्तब हकीम मिर्ज़ा मोहम्मद शफी की बेटी कनीज हुसैन से 1913 में शादी कर ली। लखनऊ में इन्होंने शादी कर ली थी क्योंकि ये गए थे इलाज के लिए लखनऊ और बहुत ज़्यादा समय तक वहाँ रह गए और वहीं पर इन्होंने 1913 में हकीम मिर्ज़ा मोहम्मद शफी की बेटी कनीज हुसैन से शादी कर ली। फिर अगला पॉइंट है कि यगाना ने पहले सैयद अली खां बेताब अजीमाबादी, ठीक है, यगाना ने पहले सैयद अली खां बेताब अजीमाबादी से मशवरा सुखन किया। फिर शाद अजीम आबादी से क्या किया, असलाह सुखन लिया। तो पूछ लिया जाता है कि मशवरा किससे लिया था, तो मशवरा लिया था सैयद अली खां बेताब अजीमाबादी से और असलाह किससे लिया था, शाद अजीमाबादी से असलाह लिया था और सैयद अली खां बेताब अजीमाबादी से मशवरा लिया था। तो ये पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, यगाना ने 1921 से 1927 तक यास और यगाना दोनों तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। पूछ लिया जाता है कि जो है यगाना ने यास और यगाना दोनों तखल्लुस कब से कब तक इस्तेमाल किया, तो आपको बताना रहेगा 1920 से लेकर 1927 तक। तो अगला पॉइंट है, 1927 में यास तखल्लुस बिल्कुल जो है इन्होंने क्या किया कि 1927 में यास तखल्लुस बिल्कुल तर्क करके क्या जो है तखल्लुस इस्तेमाल करने लगे, यगाना इस्तेमाल करने लगे 27 के बाद से। अगला पॉइंट है, शोराए लखनऊ चूंकि गालिब के मकलिद थे इसलिए यगाना अपने आप को आतिश का मकलिद कहते थे अपने आप को। फिर अगला पॉइंट है, यगाना ने अपने पहले शेरी मजमुआ जो पहला था यगाना का नुसरत यास 1914 के सरवर्क पर अपने नाम से पहले खाक पाए आतिश लिखा है यास यगाना ने। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं कि चिरागे सुखन में अपने आप को आतिश परस्त लिखा है।
चिरागय सुखन में यगाना ने अपने आप को आतिश परस्त लिखा है। तो ये इनके जीवन के बारे में है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं अगले पेज पे क्या है। अगले पेज पे कुछ और जो है बहुत ही अहम चीज़ें हैं। देखिए अहम चीज़ें ये हैं कि यगाना ने अपने आप को गालिब शिकन और गालिब का चचा कहा है। ये ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है कि किसने अपने आप को गालिब का शिकन कहा और गालिब का चचा कहा, तो यास यगाना ने कहा। अगला पॉइंट है, यगाना के गालिब शिकनी का आगाज़ उनके पहले शेरी मजमूए नुसरत यास से होता है जो 1914 में शाया हुआ। अगला पॉइंट है, यास यगाना जो थे इन्होंने गालिब शिकनी के मुतालिक एक रिसाला गालिब शिकन के नाम से पहली मर्तबा 1934 में और इजाफ़ों के साथ दूसरी मर्तबा 1935 में शाया किया। क्या? रिसाला गालिब शिकन दो बार शाया किया, पहली मर्तबा 1934 में और दूसरी मर्तबा कुछ इजाफ़ों के साथ, मतलब कुछ इसमें बढ़ाया इन्होंने, और 1935 में शाया किया। गालिब शिकनी के मुतालिक जो है एक रिसाला गालिब शिकन, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, यगाना अपने नाम के साथ इमामुल गज़ल या खुदावंद मानी या अबुल मानी या मुजाहिदुल असरिया गालिब जंग लिखा करते थे, लेकिन अबुल मानी और इमामुल गज़ल लिखना ज़्यादा पसंद था इनको। ठीक है, यगाना अपने नाम के साथ, यगाना जो थे ये अपने नाम के साथ इमामुल गज़ल या खुदावंद मौनी या अबुल मौनी या मुजाहिदुल असर या गालिब जंग लिखा करते थे, लेकिन ज़्यादा इनको पसंद क्या था, अबुल मौनी और इमामुल गज़ल, यही ज़्यादा पसंद था, इसलिए ये ज़्यादा पसंद दिखा, इसलिए ये अपने नाम के आगे लिखा करते थे। अगला पॉइंट है कि यगाना ने पहली मर्तबा अपने नाम के साथ चंगेज़ी का इजाफा 1932 में किया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर बहुत ही अहम हैं। यगाना ने पहली मर्तबा अपने नाम के साथ चंगेज़ी का इजाफा 1932 में किया। अगला पॉइंट है, इनके रबाइयों के मजमूए तराना का इंतसाब भी चंगेज़ खान के नाम से है। इनके जो रवाइये थे उनके रबाइयों के मजमूए तराना का इंतसाब भी चंगेज़ खां के नाम से है, जिसे यगाना पैगंबर कहर व अजाब और शहनशाह नबी आदम समझते थे। जिसे यगाना पैगंबर कहर व अजाब और शहनशाह नबी आदम समझते थे। तो अगला पॉइंट है, यगाना ने 1919 में, एक एक पॉइंट देखिएगा और वीडियो आप कई बार जब देख लेंगे तो आपको वैसे ही पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा, आप बनाते रहिएगा। यगाना ने 1919 में अंजुमन खासान अदब के नाम से एक अदबी अंजुमन बनाई। पूछ लिया जा सकता है कि अंजुमन खासान अदब के नाम से किसने अदबी जो है अंजुमन बनाई, तो आप कहेंगे यास यगाना। पूछा जा सकता है, इसी सवाल को उलट कर पूछा जा सकता है कि यास यगाना ने जो है अंजुमन खासान अदब जो अदबी अंजुमन थी वो कब बनाई, तो आप कहेंगे 1919 में। फिर 1924 में यास यगाना क्या किया इन्होंने, 1919 में यगाना इटावा जाकर इस्लामिया हाई स्कूल में मुलाजिमत करने लगे। इटावा जाकर, इस्लामिया एक हाई स्कूल था वहीं पर मुलाजिमत करने लगे। अगला पॉइंट है, यगाना ने इटावा से रिसाला सहेफा जारी किया। सहीफा जारी किया, एक रिसाला है, पूछा जा सकता है सहीफा रिसाला जो था ये किसने जारी किया था, यगाना ने। इटावा में यगाना के फ़ानी और जिगर से दोस्ताना हो गया, समझ लीजिए किससे, फ़ानी और जिगर से, कहाँ पे, इटावा में। यगाना ने 1926 में असगर और जिगर के साथ लाहौर चले गए। यगाना 1926 में असगर और जिगर के साथ लाहौर चले गए। तो अगला है पॉइंट कि यगाना की मुलाकात लाहौर में इकबाल से हुई। देखिए एक से एक चेन बनते चला गया। इकबाल यगाना की ज़ुबानदानी के मुआतरिफ थे। यगाना 1927 में हैदराबाद आ गए। यगाना अवध अखबार से भी वाबस्ता रहे, पूछा जा सकता है अवध अखबार से भी ये वाबस्ता रहे। फिर है यगाना के कारनामे नस्तर यास, पहला है नस्तर यास। नस्तर यास यगाना का पहला मतबूआ मजमूआ कलाम है,
जो अप्रैल 1914 में शाये हुआ का क्या शाये हुआ? नस्तर यास। नस्तर यास की एक मनफर्द खसूसियत ये है कि इसमें अक्सर अशार पर साद बनाए गए हैं, अक्सर अशार पर साद बनाए गए हैं। फिर दूसरा है आयात व जदानी। यह गाना का दूसरा और अहम तरीन मजमुआ है जिसका पहला एडिशन 1927 आयात वजदानी के नाम से है। आयात वजदानी के नाम से इसके बारे में लिखा हुआ है कि यह गाना का दूसरा और अहम तरीन मजमुआ है जिसका पहला एडिशन 1927 ईस्वी में, दूसरा एडिशन 1934 ईस्वी में और तीसरा एडिशन, तीन एडिशन में था, 1945 ईस्वी में शाये हुआ। तो ये चीज़ आप देखिएगा कि आयात वजदानी का तीन एडिशन था, पहला एडिशन 27 में, दूसरा एडिशन 34 में और तीसरा एडिशन 45 में। फिर है तराना। तराना यह गाना का तीसरा मजमुआ कलाम है जो सिर्फ रबाइयात पर मुश्तमिल है और इसकी इशात 1933 में हुई थी। इसकी इशात। फिर अगला पॉइंट है कि तराना में रबाइयों की तादाद 205 है। रबाइयों की तादाद कितनी है? 205 है, जिसमें से 15 रबाइयां फारसी में हैं, 15 रबाइयां फारसी में हैं। तराना में 19 मजाहिया रबाइयां और गालिब के बारे में हैं। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे है गंजीना। देखिए बहुत ही मशहूर है ये गंजीना। यह गाना के इस मजमूए में आयात वजदानी की तीनों तबातों में शामिल कलाम के अलावा तराना की तमाम रबायात भी शामिल हैं। गंजीना को अली सरदार जाफरी ने तरतीब दिया है। पूछा जा सकता है कि गंजीना जो है ये यास यगाना का क्या है, मजमुआ है, तो इसको किसने तरतीब दिया था? तो आप कहेंगे अली सरदार जाफरी ने तरतीब दिया था। फिर है कजकोल। इस ब्याज में यगाना ने उर्दू फारसी के पसंदीदा अशार, उर्दू फारसी के पसंदीदा अशार निकातुल उलमा, लताएफ शोरा और बाज अहम शख्सियात से मुतालिक खास वाकयात दर्ज किए हैं। किसमें? कजकोल में। इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। इस ब्याज में यगाना ने उर्दू फारसी के पसंदीदा अशार निकात अलमिया, लताएफ शोरा और बाज अहम शख्सियात से मुतालिक खास वाकयात दर्ज किए हैं इसमें, कजकोल में। फिर है खुदनविश्त। यास यगाना की खुदनविश्त चिराग सुखन। यगाना की इस किताब का मौजूदा इल्म अरूज व कवाफी है, लेकिन किताब के शुरू और आखिर में दो मजामीन शेर व सुखन और अहले ज़ुबान व ज़ुबानदान भी शामिल किए, जिनमें यगाना ने शोरा लखनऊ से अपने इख्तलाफ की तफसील बयान की है। लास्ट चल रहा है, ख़त्म होने वाला, इसलिए स्लो पढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में गालिब के ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ लिखा। किसने? यगाना ने। फिर है कि शोहरत काजबा। इस किताब का पूरा नाम शोहरत काजबुल मारूफ बा हराफात अजीज़ है। खुराफात ये मिटला हुआ था। इस किताब का पूरा नाम शोहरत काजबुल मारूफ बा खुराफात अजीज़ है। फिर अगला है गालिब शिकन। यगाना के मजमुआ कलाम तराना में गालिब के खिलाफ शाया हुई रबाइयों पर प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब ने जो एतराज़ करते हुए ख़त लिखा था, उसके जवाब में लिखे हुए ख़त को यगाना ने 1934 में पहली बार गालिब शिकन के नाम से एक किताबचा की शक्ल में शाया किया, जिसमें गालिब के ख़िलाफ़ 24 रबायात हैं। ठीक है, इसलिए इस लाइन को
आप फिर से 2-3 बार क्लास देखेंगे तो सब तैयार हो जाएगा। अगला पॉइंट है, यही किताब जो 1935 में यगाना ने गालिब शिकन दो आदशाह के नाम से शाया किया और इसमें 24 के बजाय 32 रबाइयाँ शामिल कीं, 24 के बजाय 32 रबाइयाँ शामिल कीं। फिर है यगाना के मुख्तलिफ अशार, यगाना के मुख्तलिफ अशार, मौत मांगी थी खुदाई तू नहीं मांगी थी, मौत मांगी थी खुदाई तो नहीं मांगी थी, ले दुआ कर चले अब तर्क दुआ करते हैं, हर शाम हुई सुबह को एक यादे फिरामोश, दुनिया यही दुनिया है तो क्या याद रहेगी। फिर है सुलह हुई तो क्या वही आग दिल में भरी रही, वही खो रही वही बू रही, वही फितरत बिशरी रही। तो ये आप पढ़ रहे थे यास यगाना के बारे में। अब 30 क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों जो बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है, वो मैं 30 क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूँ। तो यास यगाना हो चुका है और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं तुरंत उन 30 क्वेश्चंस को मैं करवाया दे रहा हूँ, उसका एक अलग वीडियो रहेगा, इसके बाद उसका एक अलग वीडियो जाएगा 30 क्वेश्चन का जो बहुत ही अहम सवालात हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।